जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आप सब ने अपने कीमती रजेविया विचों समा कढ़ के परिवार नाल दुख का प्रगटावा किया है। सो पापा जी बारे दो मिनट, उन्हां दी जो शख्सियत सी उस बारे सारे इलाके विच सारे ही जानते हैं कि उन्हां दा जो सुभाव सी वो संत सुभाव सन, मिठ बोलड़े सन, कहनी ते करनी दे बड़े पक्के सन। उन्हां दे ए शब्द पंक्तियां टुकदियां हन गुरबाणी दियां, संत मोए क्यार होइए जो अपने ग्रह जाए। सरदार सरबजीत सिंह जी, दाखला वकील साहब, जे एस संधु प्रधान हाउसफैट अमृतसर, जे एस नाकी साहब आर्गेनाइजर हाउसफैट अमृतसर, सरदार अमरजीत सिंह जी ग्रोवर मैंबर लोक अदालत, सरदार सुरजीत सिंह जी कंग प्रधान आरती एसोसिएशन जंडियाला, डॉक्टर बीबी इंद्रजीत कौर जी संचालक पिकलवाड़ा अमृतसर साहब, इस सोग की घड़ी में परिवार नाल दुख साझा करन आए हैं। परिवार वालों बहुत बहुत उन्हों का धन्यवाद है। सरदार गगनदीप सिंह जी जज जो कि बहुत ही सीनियर अकाली लीडर हैं, इन्होंने रिश्तेदार भी हैं, वो भी इस दुख की घड़ी में परिवार नाल दुख साझा करन आए हैं। करवास सिंह काफ़ी संगत उत रही है, प्रसाद वरदाना शुरू कर। सो सरदार नरेंद्र सिंह जी के परिवार बारे, सरदार प्रेम सिंह जी के परिवार बारे सरदार करवंत सिंह जी ने सब कुछ दस ही दिता है, क्योंकि जो ये परिवार है बहुत प्रेम भरिया परिवार है, लोगों के नाल अथाह प्रेम है, जिसके 1947 तो लैकर के पाकिस्तान तो आ करके आप कई तो लोगों को पता नहीं घंटा कहने जो भी नहीं करना होता, लोग उठना शुरू कर देते हैं। जिते भी प्रोग्राम होवंत सिंह तुम बोल दो, दस दो कि भाई एको बड़ारा है, दो मिनट चार मिनट की खेड़ है, तो लोग सारे बैठ देते हैं। सो इन कहते हुए बेनती कि मैं दे जा चुका, आस रखते हैं कि इन्हों का इस तो भी ज़्यादा विश्व के नाम रोशन करेंगे सरदार नरेंद्र सिंह के बच्चे, असं आस रखते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु। Yeah.
प्यारे जी प्रभु की आत्मा रखिया।
ਕਈ ਜਨਮ ਹੈ ਜੀਵ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਫ ਹੋਇਓ, ਕਈ ਜਨਮ ਕੈਬਰ ਪਿੰਡ ਚੋਇਓ, ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ ਮਿਲਣ ਕੀ ਬਰੀਆ, ਚਿਰੰਕਾ ਏਡੀ ਏਡੀ ਕਰੋ ਸਦਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ। ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀੜੇ ਦੇ ਪਤੰਗੇ ਬਣੇ ਆ, ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥੀ ਬਣੇ। ਗੱਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਹਾਥੀ ਮੀਨ ਮੱਛਲੀ ਬਣੇ, ਪੁਰਾਣ ਹਿਰਨ ਬਣੇ, ਕਈ ਜਨਮ ਕਦ ਮੀਨ ਪੁਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸੱਪ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਛੀ ਬਣ ਕੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉਡਾਰੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ, ਤੇ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਦ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਜੋਏ ਵੀ ਗਏ, ਹੜ ਵੀ ਵਾਇਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਫ ਹੋਇਓ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੈ ਵਿਭਿਨ ਜੋਇਓ, ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਪਿਛਲੇ ਦੇ ਵੱਧ ਹੋ ਦਯਾ
नानक गुण गावे निकाल के तिल आप रंग रंग के हो
Thank you.
Thank you.
अगे तो शुद्ध बाणी ग्रहण करते समत दर्शन करने सतगुरु जी दराइया सरबत संगत दिया प्रवान करने दिल पुर भेटा प्रवान करने आप जी दे दरों करों नाम दान को सिक्की जीवन बख्शा चढ़दिया कल करनिया सतगुरु जी गुरमुख परिवार के सिर ते फिर भरिया हथ रखना विश्री रूह नूं अपने चरणा दा निवास बख्शना परिवार प्रेम प्यार सतभाग बख्शना मनोकामनावां भावनावां पूरियां करनिया सतगुरु जी गुरमुख परिवार वालों आप जी नूं बड़े सुंदर बांदे भेटा कीते गए आप अपने अंगीकार करने सेवका दे ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਪੜਦੇ ਕਦਮੇ ਹਰਤ ਪਲਤ ਸੁਹਾਈ ਹੋਣਾ ਬੇਅੰਤ ਮਹਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਜਾਨਾ ਚੋਂ ਮਾਇਆ ਇੱਕ ਜਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪੰਚਮ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਗਵਾਦਰ ਦਰਪਰਵਾਨ ਹੋਣ ਦਰਪਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰਸ ਵੀ ਲੈ ਕੋਏ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ੋ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੋ ਸਹੀ ਕਾਲ ਮਿਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੰਤ ਲਾਏ ਵਧੋਵਣ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਪਲਾ ਜਿਉਂ ਬਾਲੋ ਕਰ ਬਾਰ
ਬਿਨ ਸਤ ਬਾਰ ਨਾ ਲਗਾਏ ਜਿਉਂ ਕਾਗਦ ਬੁੰਦਾਰ ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਮਨਸਾ ਮਨੇ ਮਾਰ ਸਤ ਦੇਖ ਵਿਚਾਰ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਗਿਰੇ ਜੋਗੀ ਤਜ ਗਏ ਕਰ ਬਾਰ ਰਹਾਰ ਜੈਸਾ ਕੀਮਤੀ ਰਜੇਵਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਪਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਦੋ ਕੁ ਮਿੰਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਉਹ ਸੰਤ ਸੁਭਾਅ ਸਨ, ਮਿੱਠ ਬੋਲੜੇ ਸਨ, ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਬੜੇ ਪੱਕੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੰਕਤੀਆਂ ਟੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ, ਸੰਤ ਮੋਏ ਤਿਆਰ ਹੋਈਏ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਘਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮਹਿਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਸਪੁੱਤਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਵਲੀ ਦਾਸ ਦੇ ਕਲਾਸਮੇਟ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆਇਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਔਫਰ ਆਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੇ ਆਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਜੋ ਵਾਰਕਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਵੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਜੋ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਵਲੀ ਦੇ ਦੋਸਤ ਜਸਟਿਸ ਫਤਿਹਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਏ ਹਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਲੀ, ਐਕਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਰਕਫੈਡ, ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਜਲਵੱਡੀ, ਐਕਸ MLA ਜੰਡਿਆਲਾ, ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗ ਵਿਰਕ, ਐਕਸ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜੰਡਿਆਲਾ, ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ MC, ਛੱਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਕਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਪੱਟੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰੀਕਸ਼ਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰੋਵਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜ MC, ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ BJP, ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਿੰਦਰ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਜਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ
अमृतसर सरदार हरभजन सिंह जी एक्स ईटीओ पीसीएस जंडियाला, सरदार अमरीक सिंह जी एडवोकेट, सरदार सरबजीत सिंह जी डिम्पी मीत प्रधान आम पार्टी, श्री नरेश पाठक जी शहरी प्रधान आम पार्टी, सरदार जसपाल सिंह जी एमसी, सरदार सरबजीत सिंह जी दाखला वकील साहब, जे एस संधु प्रधान हाउसपैट अमृतसर, जे एस नाकी साहब ऑर्गेनाइजर हाउसपैट अमृतसर, सरदार अमरजीत सिंह जी ग्रोवर मैंबर लोक अदालत, सरदार सुरजीत सिंह जी कंग प्रधान आरती एसोसिएशन जंडियाला, डॉक्टर बीबी इंद्रजीत कौर जी संचालक पिंगलवाड़ा अमृतसर साहब, इस सोग की घड़ी में परिवार न दुख साझा कर आए हैं। परिवार वालों बहुत बहुत उन्होंने धन्यवाद है। सरदार गगनदीप सिंह जी जज जो कि बहुत ही सीनियर अकाली लीडर हैं, इन्होंने रिश्तेदार भी हैं, वह भी इस दुख की घड़ी में परिवार न दुख साझा कर आए हैं। सो काफ़ी संगत उत रही है, प्रसाद वरदाना शुरू कर। सो सरदार नरेंद्र सिंह जी के परिवार बारे, सरदार प्रेम सिंह जी के परिवार बारे सरदार करवंत सिंह जी ने सब कुछ दस ही दिता है, क्योंकि जो ये परिवार है बहुत प्रेम भरिया परिवार है, लोगों के नाल अथाह प्रेम है, जिसके 1947 तो लैकर के पाकिस्तान तो आ करके अपन इतने इन्होंने गोद बनाई है जंडियाला गुरु शहर में, और शहर से की अपने सारे हिंदुस्तान एक्सपोर्ट करते हुए बाहर के देशों के भी। सो इन्होंने पुत्र बहुत होनहार ने सरदार कमलजीत सिंह, सरदार जिन्होंने असं रमणी वीर कहते हैं, दोनों ने बहुत मेहनत करके एक ने अपना आर्ट का काम किया है। सो एक भैन जी साढ़े बहुत वधिया सुभाव दे, सरदार साहब बहुत वधिया सुभाव दे, सारे बहुत मिठ मिठा परिवार है, और इन्होंने अपने फोन दे विच अपने प्रेम सहित अपनी जबान के नाल इतना ही लोगों के नाल गूढ़ा प्रेम बना करके अपनी गोंद बना ली है कि सारे ही विश्व के इन्हों नाम जपता है कि भाई जी तेल वधिया रहना तो जंडियाला लै आओ। बहुत बड़े बड़े संत महात्मा भी आते हैं, बस अच यही एक सरदा के बदल भेट करने चाहते हैं कि इन परिवार की दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो, और हमेशा ही अपने माता पिता के पूर्णियां पर चढ़ के और अपने लोगों के अपने रिश्तेदार कहानियां बहानियां पुत सुपित करें कि माता पिता के सारे पूर्णियां में चढ़ के माता जी की लंबी उम्र की दुआ करते हैं, तंदुरुस्ती की दुआ करते हैं। कि मैं गया से उधर से उधरों काफ़ी कौमों के जो सरदार साहब जी चले गए, दूसरे दिन पूछया कि तुम पहचान लिया, तो कहते बाबा जी सत श्रीकाल मैं पहचान लिया। इस करके दुआ करते माता जी की कि लंबी उम्र बख्शे, इन्होंने उपर आशीर्वाद रहेगा। सरदार कमलजीत सिंह की तंदुरुस्ती वास्ते अरदास करते हैं। सो सारे ही परिवार की चढ़ती कला रखे और परमात्मा दिन दुखी रात इन्होंने चौकी तरक्की करे। पर बेनती करांगा कि पहले दस लिया करो कि इन्ने कु मिनट का प्रोग्राम है, सारे लोग बैठे रहते हैं, जो बोलना शुरू करी तो लोगों को पता नहीं एक घंटा इन्होंने चौकी नहीं करना होता, लोग उठना शुरू करते हैं देते हैं। जिते भी प्रोग्राम होवंत सिंह तुम बोल दो दस दो कि भाई एको बड़ारा है, दो मिनट चार मिनट की खेड है, तो लोग सारे बैठे रहते हैं। सो इन कहते हुए बेनती किमें जाचक आस रखते हैं कि इन्हों का इस तो भी ज़्यादा विश्व के नाम रोशन करे सरदार नरेंद्र सिंह के बच्चे, असं आस रखते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतह। याद में दान किया गया है गुरद्वारा बाबा लाल जी जन्म स्थान, गुरद्वारा बाबा लाल जी तप स्थान, गुरद्वारा बाबा जगतार सिंह जी तरन तारण, गुरद्वारा माता खीवी जी खडूर साहब, गुरद्वारा छेवी पातशाही रणजीत अवीलू, गऊशाला जंडियाला गुरु, शमशान घाट जंडियाला गुरु, यतीमखाना अमृतसर, पिंगलवाड़ा अमृतसर, गुरद्वारा मलियाना साहब,
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੋਤੀਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੱਟਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੋਹਰੀ ਗੇਟ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਜੀ, ਮੰਦਰ ਡਾਲੀਆਣਾ, ਮੰਦਰ ਟੁੱਟੀਆਂ, ਮੰਦਰ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ, ਮੰਦਰ ਭਦਰ ਕਾਲੀ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਲਿਫਾਫਾ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਬੋਲ ਬੋਲ ਜੀ।